नमस्ते, स्वागत है आपका हमारी छोटी सी बगिया में। आपने पिछली वीडियो को जितना सराहा, प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली वीडियो में कुछ लोगों के कुछ क्वेश्चंस थे, इस वीडियो में हम चाहेंगे उसके आंसर्स कर पाएं। पिछले कुछ दिनों में यहाँ बहुत तेज बारिश हुई है, बहुत तेज हवाएं चली हैं, जिसकी वजह से हमारे पौधों को, फूलों को बहुत नुकसान हुआ है। तो एक छोटा सा व्यू आपको दिखाना चाहेंगे अपने बगीचे का, आइए देखते हैं। समय परिवर्तनशील है। इस जीवन रूपी सागर पर सुख दुख के बादल उमड़ते घुमड़ते ही रहते हैं। प्रकृति का नियम है पुनर्निर्माण। मौसम बदलते हैं, लेकिन प्रकृति निरंतर निर्माण में लगी रहती है। प्रकृति की यही सीख हमें निरंतर कार्यशील रहने को प्रेरित करती है। खराब मौसम और लगातार बारिश से हमारी बगिया भी प्रभावित हुई है। समय अनुसार फूलों की खूबसूरती भी अपने अंतिम पड़ाव पर है। हमें फिर से नए सीजन की तैयारी नए तरीके से करनी होगी। तो इससे पहले हम पिछले वीडियो के अपने कुछ सवालों के जवाब देना चाहेंगे। कुछ लोगों ने पूछा था कि आप मिट्टी कैसे तैयार करते हैं, तो इसके लिए हम 50% मिट्टी, 40% गोबर खाद और 10% बालू लेते हैं और इसके मिश्रण से सारे गमलों को तैयार कर लेते हैं। कुछ लोगों ने पूछा था लिक्विड फर्टिलाइजर में क्या यूज़ करती हैं, तो हम पानी में सरसों खली 10 लीटर पानी में 250 ग्राम सरसों खली डाल देते हैं। 4 दिन इसे फुलाकर फिर इसमें 10 लीटर पानी डालकर इस लिक्विड से सारे पौधों को सींचते हैं। आधे आधे मग सारे पौधों में डाल देते हैं। ध्यान रखने की बात यह है कि जब आपकी मिट्टी पूरी तरह से सूखी हो तभी इस लिक्विड को डालना है, और ये लिक्विड हर वीक हम एक बार डालेंगे। तब तक डालेंगे जब तक कि पौधों में फूल ना आ जाए। इसके अलावा गेंदे के पौधों में, मैरीगोल्ड के पौधे में हम DAP के कुछ दाने वीकली डालते हैं जब तक कि उसमें फूल ना आ जाए। सरसों खली डालने के नेक्स्ट डे हम सारे गमलों की मिट्टी को एक बार कुड़ाई कर देते हैं, जिससे कि मिट्टी हल्का रहे और हमारे पौधे अच्छे ग्रोथ ले सकें। कुछ लोगों ने पूछा कि प्लास्टिक पॉट ही क्यों यूज़ किया आपने, तो हमारे बगीचे में मिट्टी और प्लास्टिक के दोनों ही पॉट्स हैं। प्लास्टिक पॉट इसलिए यूज़ किया क्योंकि जब हवाएं तेज चलती हैं तो सारे गमले पलट कर टूट जाते हैं, पौधे बर्बाद हो जाते हैं, तो रिसाइकल्ड प्लास्टिक के पॉट्स हमने यूज़ किया है। कुछ लोगों के क्वेश्चंस थे कि आपने ग्रास कैसे लगाया, तो सबसे पहले आपको जिस जगह पर ग्रास लगानी है वो देख लें कि पूरी तरह से समतल हो, पानी की निकासी सही हो। उसके बाद आप उसको वाटरप्रूफिंग पेंट लगवा लें। उसके बाद डबल लेयर प्लास्टिक उस पर बिछाकर या 3 शीट बिछाकर उस पर मिट्टी में वर्मी कंपोस्ट मिलाकर 1 इंच लेयर बिछा दें। उसके बाद कार्पेट ग्रास, जो कि 15-20 रुपए स्क्वायर फीट में मिलती है, कार्पेट ग्रास को उसके ऊपर बिछा दें। ये आपको किसी भी नर्सरी में आराम से मिल जाएंगे। हमने पिछले 7 सालों से छत पर लॉन बनाया है। इससे हमारा घर गर्मी के दिनों में ठंडा रहता है और आज तक सिलन नहीं हुई है, तो आप निश्चिंत होकर अपना लॉन तैयार कर सकते हैं छत पर। कुछ लोगों के क्वेश्चंस थे कि कितने तरह के प्लांट्स आपने लगाए हैं अपने गार्डन में,
ये पूछ रहे थे सभी। तो हमने इसमें अपने बगीचे में अरिका पाम, पिटूनियाज, मैरीगोल्ड, रोजेज, फ्लेम वाइन, एलिसियम, स्वीट पोटैटो वाइन और व्हीट ग्रास जैसे पौधों से सजाया है। कुछ लोगों ने पूछा कि वाटरिंग किस तरह से करती हैं। तो जब नवंबर में हमने पौधों को लगाया था तो उस वक्त एक दिन बीच करके हम पानी डालते थे, लेकिन फैब के बीच आते आते मिड फैब में हम पानी डेली डालने लगे, क्योंकि तब तक पौधे बड़े हो चुके होते हैं और गर्मी भी पड़नी शुरू होती है, धूप तेज हो जाते हैं, इसलिए डेली बेसिस पे हम इसमें पानी डालते हैं। कुछ लोगों ने पूछा कि पिटूनिया ही क्यों आप लगाती हैं। तो पिटूनिया इसलिए हमने अधिकतर लगाया है अपने गार्डन में, क्योंकि ये नवंबर के स्टार्ट मंथ में हम शुरू करते हैं इसे लगाना और दिसंबर में इसमें फ्लावर्स आने शुरू हो जाते हैं, और दिसंबर से लेके मार्च एंड तक इसमें फ्लावर्स आते रहते हैं और पिटूनिया ताज़ा बने रहते हैं। तो बहुत कम मेहनत में बहुत दिनों तक इसके फ्लावरिंग का हम आनंद लेते रहते हैं। हमने पहले बहुत से फ्लावर्स और भी लगाए हैं, लेकिन वे सब एक महीने में सूख जाते हैं, उनके फ्लावर्स ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए मैं अधिकतर पिटूनिया को ही प्रिफर करती हूँ। कुछ लोगों के क्वेश्चंस थे कि गार्डनिंग में कॉस्ट कितना आता है, आपके गार्डनिंग का कॉस्ट कितना आया। तो इस साल लगभग 15,000 से 20,000 रुपये मैंने अपने गार्डनिंग के लिए खर्च किए हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अंत तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।